नमस्कार दोस्तों, कुकिंग लाइव स्विता किचन में आपका स्वागत है। आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ पैनकेक बनाना। बिल्कुल आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं। तो ये कैसे बनाया जाता है, तो चलिए इसे बना लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये पैकिंग में मिलता है, बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। आप इसे बना सकते हैं, 5 से 10 मिनट में बन कर ये तैयार हो जाता है। इस पर सारा सब कुछ लिखा होता है कि हम इसे कैसे बना सकते हैं, और इसमें स्पेशली लिखा हुआ है कि इसके अंदर पानी जरूर पानी डालें, इसमें दूध नहीं डाला जाता है। कई में होता है कि उसमें दूध डाला जाता है, लेकिन इसमें पानी डालेंगे। तो ये देखिए ऐसे इसका पाउडर है। अभी यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, तो बाउल में मैं ये पाउडर निकाल लूँगी। अभी इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक गिलास ही नॉर्मल पानी लिया है। अब थोड़ा थोड़ा डालकर अच्छी तरह से बैटर को हम तैयार कर लेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डालते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। ये बैटर बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए। इसके अंदर लम्स होंगे तो पैनकेक अच्छा नहीं बनेगा और टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा खाने में। तो बैटर अच्छे से तैयार करें। ये देखिए बैटर तैयार है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये नहीं तो गाढ़ा है, नहीं पतला है, ऐसा बैटर हमें तैयार करना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक तवा लिया है, इसके ऊपर 2 से 3 बूंदे मैंने ऑयल की डाल दी है। अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अभी यहाँ पर मैंने ये हाफ करछी बैटर डाला है, अच्छे से फैला देंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार बड़े या छोटे बना सकते हैं। तो अभी देखिए बबल आने शुरू हो गए हैं। अभी इसे हम ड्राई होने तक ऐसे ही रखेंगे। अभी देखिए बबल आने के बाद ये ड्राई हो चुका है ऊपर से, तो इसे दूसरी साइड से हम पलट देंगे और दोनों साइड से ऐसे ही सेक लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा सिका है ये। अब दूसरा भी ऐसे ही हम बना लेंगे। तो दूसरी बार यहाँ पर कोई ऑयल नहीं डालेंगे, ऐसे ही बना लेंगे। बहुत ही अच्छे से बन जाते सारे पैनकेक। अभी ये देखिए दूसरा भी बहुत अच्छे से ऊपर से ड्राई हो चुका है। अभी दूसरी साइड से इसे पका लेंगे। अभी इसमें कोई ऑयल नहीं डाला है, ऐसे ही हम इसे बना लेंगे। अब ये देखिए सारे ऐसे ही तैयार कर लेंगे दोस्तों पैनकेक। ये देखिए मैंने सारे बना लिए हैं। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं और गार्निश कर लेते हैं। गार्निश के लिए यहाँ पर मैंने ये बटर का एक पीस लिया है, ऊपर से मैंने ये हनी डाला है 2 से 3 चम्मच। हनी आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसा आप खाना पसंद करते हैं। बच्चों को ये चीज़ें बहुत ही पसंद आती हैं। तो यहाँ पर मैंने ये चॉकलेट सिरप लिया है, इसे भी अच्छे से डाल देंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।